एक बार ऐसे सॉफ्ट और ग्लोइंग बेस बनाएं कि वाटर प्रूफ भी हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो और स्वेट प्रूफ भी हो, कि आप जितना मर्ज़ी किचन में खड़े हो जाएं आपकी बेस नहीं उतरेगी, आपकी बेस ख़राब नहीं होगी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को ईद के लिए बहुत ही स्पेशल जो है वो कस्टमाइज बेस बताने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको आपकी रेंज में जो है वो बन जाएगी और ये 100% वाटर प्रूफ होगी और स्वेट प्रूफ होगी। आप जितना मर्ज़ी किचन में खड़े हो जाएँ, आप जितना मर्ज़ी धूप में चले जाएँ, आपकी बेस ख़राब नहीं होगी। तो इसके लिए जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने एक कंटेनर ले लेना है और उसके बाद जो है वो आपने एक पैनकेक लेना है। तो यहाँ पे मैंने अरोसा का पैनकेक लेना है। आपके पास जो भी पैनकेक अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल सेम यही प्रोडक्ट यूज़ किया करें, क्योंकि हर कोई इतने महंगे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं आप उन्हीं को यूज़ किया करें इन मेथड्स को फॉलो करके। तो यहाँ पर जो है वो सेकेंड नंबर पर मैंने मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन ऐड की है और उसके बाद जो है यहाँ पे हम सनब्लॉक ऐड करेंगे। सनब्लॉक आपको पता है गर्मियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ईद वाले दिन जो है वो आपने किचन में खड़े होना है, आपने बाहर जाना है, तो सनब्लॉक आपने लाजमी अप्लाई करना है। इसमें जो है वो हमने थोड़ा सा सनब्लॉक भी ऐड कर ली है और उसके बाद जो है बेस को थोड़ा सा शाइनी और ग्लोई बनाने के लिए जो है यहाँ पे मैं हाइलाइटर ऐड कर रही हूँ। मैंने गोल्डन कलर का हाइलाइटर ऐड किया है। आपने इसमें थोड़ा सा क्रश करके ऐड करना है और थोड़ा सा जो है वो पिंकिश ग्लो देने के लिए जो है यहाँ पर मैं पिंक हाइलाइटर ऐड कर रही हूँ। आप इन मेथड को यूज़ किया करें। आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों आप वही यूज़ किया करें। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने एवरी कलर लिया है मैक की बेस का और इसमें जो है वो हमने रोज़ वाटर ऐड की है और इसका अच्छा से जो है वो हमने एक बेस रेडी कर लेना है। अगर आप इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी यानी रोज़ वाटर इसमें ऐड कर लेते हैं, कर सकते हैं। और इसमें जो है वो आपने अच्छे से जो है वो इसका पेस्ट रेडी करना है और इसमें आपने ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी क्वान्टिटी जो है वो कितनी, आपने इतनी क्वान्टिटी रखनी है, आप इससे भी ज़्यादा नहीं बना के रखनी। और उसके बाद जो है आपने इतने अच्छे से जो है वो इसके मिक्स कर लेना है। आपने इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, कोई भी पार्टिकल्स ना रहें, जो हमने पैनकेक ऐड किया था उसके पार्टिकल इसमें ना रहें। तो इसमें जो है वो थोड़ा सा फाउंडेशन जो है वो मुझे कम लगा है, तो मैंने और ज़्यादा इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से तो है वो मैंने दोबारा से मिक्स कर लिया है। और अब इसको यूज़ कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले जो है वो आपने अपने फेस को अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है एंड देन आपने रोज़ वाटर अप्लाई करना है। रोज़ वाटर अप्लाई करने के बाद आपने इसे रेस्ट रोड देना है 1 से 2 मिनट। और इसके बाद जो है यहाँ पे प्राइमर अप्लाई करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपके काफ़ी ज़्यादा पोर्स हैं तो आप प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये प्राइमर जो है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसको जो है वो आपने अप्लाई करना है ब्रश की मदद से, अच्छे से जो है वो आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी जो है वो थिक कवरेज है और इसमें जो है यहाँ पर मैं रोज़ वाटर अप्लाई कर रही हूँ। इसमें अगर आपके पास फिक्सर है, मेकअप फिक्सर या मेकअप सेटिंग स्प्रे है तो आप वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इस पर स्प्रे कर सकते हैं। और इसको अच्छे से स्प्रे करने के बाद अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और इसको अच्छे से जो है वो आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ब्लेंडिंग से ही आपके मेकअप जो है वो मेकअप बेस प्रोफेशनल दिखती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। लूज़ पाउडर जो है मैं क्रिस्टीन का यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने प्रेस करके जो है वो अप्लाई किया है। आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से अप्लाई करना है। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।